हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ट्री फॉर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, यानी कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन ट्रीज के ऊपर हम कुछ बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं इस वीडियो के ऊपर पहले लेक्चर बना चुका हूँ, अगर आपको उसको समझना पहले अच्छे से तो आप उसको समझ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, सो आप पहले उसको समझ के आना अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, और उस वीडियो में हम इसको उसके ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट एक्सप्रेशन ट्री फॉर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री फॉर गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सिंपल कहना आपको एक बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री, अगर आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन ट्री, आपको इस गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए आपको बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री बनाना है। आपको एक्सप्रेशन दे दी मॉड माइनस प्लस ए बी इंटू सी डी डिवाइड पावर ई एफ माइनस जी है, ये आपको एक इनफिक्स सॉरी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे दी। सो उसके ऊपर हम एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, मैंने आपको बोला भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आप देख सकते हैं जाके। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है लेफ्ट से राइट स्कैनिंग करनी होती है, पहली जो हमारी जो होती है नोड वो क्या होती है, हमारी रूट नोड होती है। ठीक है, सो मोड हो गया हमारा रूट नोड। ठीक है, देन माइनस किधर आएगा, लेफ्ट में जाएगा, माइनस जाएगा लेफ्ट में, प्लस कहां पे जाएगा, माइनस के लेफ्ट में, देन ए, ए भी कहां पे जाएगा, प्लस के लेफ्ट में, देन है बी, क्या है बी। नाउ मुझे हमें पता है कि जो बी होता है, क्या जो भी ऑपरेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, मतलब लीफ नोड होता है, क्या होता है, हमेशा एक लीफ नोड होता है इन दिस केस, यानी कि मतलब जो आपके ऑपरेंट होते हैं, क्या होते हैं ऑपरेंट, उनका मतलब कोई चाइल्ड नहीं होता, यानी कि वो लीफ नोड होता है, यानी कि ए के ना तो कोई लेफ्ट में कोई जाएगा ना तो राइट में कोई जाएगा, सो बी जाएगा प्लस के राइट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई किधर जाएगा, ना ए के इधर जाएगा ना बी के इधर कहीं जाएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई जाएगा माइनस के राइट में, कहां जाएगा माइनस के राइट में, मल्टीप्लाई के बाद क्या है सी, सी कहां पे जाएगा, सी जाएगा मल्टीप्लाई के लेफ्ट में, एंड डी कहां पे जाएगा, डी जाएगा मल्टीप्लाई के राइट में। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या आता है डिवाइड, अब डिवाइड कहां जाएगा, नाउ सी लेफ्ट साइड में कोई भी मतलब अब ऐसी मतलब हमारे पास कोई स्पेस नहीं जहां पे मैं डिवाइड को इंसर्ट कर सकूं, क्योंकि सारी कहां पे आ गई, यहां पे लीफ नोड आ चुकी है। ठीक है, सो अब डिवाइड कहां पे जाएगा, बेसिकली डिवाइड जाएगा राइट में, सो डिवाइड जाएगा राइट में, डिवाइड के बाद क्या पावर, पावर में जाएगा लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, पावर के डिवाइड के लेफ्ट में, नाउ पावर के बाद क्या ई, ई कहां पे जाएगा पावर के लेफ्ट में, एंड एफ, एफ कहां पे जाएगा पावर के राइट में। ठीक है, देन माइनस, माइनस किधर जाएगा, माइनस जाएगा डिवाइड के राइट में, क्यों, क्योंकि डिवाइड के लेफ्ट वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, खत्म हो चुका है, यहाँ पे लीफ नोड आ चुकी है, ओपरेंट आ गए। ठीक है, सो माइनस गया डिवाइड के राइट में, माइनस के बाद क्या जी, जी कहां पे जाएगा माइनस के लेफ्ट में। ठीक है, एंड एच, एच कहां पे जाएगा माइनस के राइट में, एंड ये क्या मिल गया हमें गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए, हमें मिल गया बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री, या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन ट्री। नाउ गाइस एक और क्वेश्चन हम जरा ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या, गिवन द एक्सप्रेशन ट्री, आपको एक बेसिकली इस बार क्या दिया, आपको एक्सप्रेशन ट्री दिया है, और आपको कह रहा है राइट इट्स इक्विवेलेंट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, आपको इसके लिए इक्विवेलेंट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन निकालनी है, यानी कि इस बार हमें जस्ट पहले लगे अपोजिट क्वेश्चन दिया है, इस बार हमें ट्री दिया है हमें एक्सप्रेशन निकालनी है, जबकि पहले क्या था हमें एक्सप्रेशन दी थी हमें ट्री बनाना था। ठीक है, सिर्फ उल्टा काम है बिल्कुल। ठीक है, अब इसके लिए हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसे निकाले, इसकी बेसिकली सिंपल ट्रिक है, क्या है सिंपल ट्रिक, अगर आपको प्री ऑर्डर निकालना आता है, क्या होता है, अगर आपको किसी बाइनरी ट्री का आपको प्री ऑर्डर निकालना आता है, देन आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब बिल्कुल आपको करना है, आपको बिल्कुल ये जो है एक्सप्रेशन ट्री है ना, अगर आप इसका प्री ऑर्डर निकालते, क्या निकालते आप प्री ऑर्डर निकालते हो, तो आपको क्या मिल जाएगी, बेसिकली एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब मैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर के ऊपर भी वीडियो अच्छे से बना चुका हूँ, वो भी इजी ट्रिक्स से आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो आप जाके सीख सकते हैं, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके अच्छे से देख सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, इस स्टेप में करते हैं, इसका क्या करते हैं, हम प्री ऑर्डर निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, प्री ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है प्री ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, आपको जो आपका होता है ट्रेवर्सिंग ऑर्डर, क्या होता है ट्रेवर्सिंग ऑर्डर, वो क्या होता है रूट लेफ्ट एंड राइट, यही होता है प्री ऑर्डर में। इन ऑर्डर में क्या होता है लेफ्ट रूट राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है लेफ्ट राइट एंड रूट। सो प्री ऑर्डर हम कर रहे हैं प्री ऑर्डर। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है रूट लेफ्ट एंड राइट। सो बेसिकली जो मेरी ट्रिक थी जो मैंने आपको बताया था कैसे करना होता था, आपको रूट से स्टार्ट करना है, एंड आपको वॉल्स के अगेंस्ट चलना है, आपको वॉल्स के अगेंस्ट,
यानी कि रूट से स्टार्ट करते थे, आपको लेफ्ट साइड जाना है एंड आपको वॉज के अगेंस्ट जाना है और जो जो आपकी नोड आती रहेगी वो क्या लिखेंगे आपको लिखते जाना है ऑर्डर में। सो सबसे पहले क्या, अगर मैं वॉज के अगेंस्ट चलूँ तो सबसे पहले आएगा पावर, सबसे पहले आएगा पावर, देन वो वॉल के अगेंस्ट आएगा, देन आएगा प्लस, देन डिवाइड, देन ए, देन वो वॉल के साथ जाएगा, वॉल के साथ जाएगा तो ऐसे जाएगा ना वॉल के साथ, देन क्या पहुंचेगा वो बी पे पहुंचेगा, फिर वो वॉल के साथ जाएगा, वॉल के साथ जाना है उसको तो कैसे जाएगा, इधर आएगा इनटू के पास, इनटू फिर वो वॉल के साथ जाना है उसको सी के पास जाएगा, सी देन उसको वॉल के साथ जाना है, सो किस पे आएगा डी पे आएगा, डी पे आ गया। अब उसको वॉल के साथ जाना है, किस साथ जाना है, वॉल के साथ, सो डी के पास वापस किसके पास जाएगा, डिवाइड के पास जाएगा, ठीक है डिवाइड पे गया। अब वो डिवाइड के पास किसके पास जाएगा, मॉड के पास जाएगा, क्योंकि पहले लेफ्ट की तरफ हमें जाना पड़ता है, ठीक है ना। सो मॉड पे गया, मॉड के बाद किस पे जाएगा वो एफ पे जाएगा, एफ पे गया, एफ के बाद किस पे जाएगा वो जी पे जाएगा, जी पे गया, जी के बाद देन किस पे जाएगा माइनस पे, माइनस देन एच एंड देन लास्ट आई। सो बेसिकली आपने देखा हमें क्या मिलगी, हमें एक मिलगी क्या, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलगी। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या एक्सप्रेशन ट्री में आपको बेसिकली अगर आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन निकालनी है, निकालनी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन निकालनी है, सो आप उस एक्सप्रेशन ट्री का या फिर कह सकते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री का आपको क्या करना है, सिंपल प्री ऑर्डर निकाल देना, क्या निकाल लेना, प्री ऑर्डर निकाल लेना और आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगी। सो गाइज आई होप आपको अच्छे समझ आएगा कि एक्सप्रेशन ट्री फॉर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की बेसिकली अच्छा ये टॉपिक होता क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, कैसे करना होता है, इनको कैसे इंप्लीमेंट करना होता है। सो इस वीडियो में हमने एक दो क्वेश्चन को अच्छे से समझा, आई होप आपको अच्छे समझ आएगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।